नमस्कार। इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले कार्यक्रम में बताया था कि हम बात कर रहे हैं सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों और ख़ास तौर पर उनके कार्यान्वयन को लेकर जो उत्कृष्ट कार्य किया गया है और जब उन्हें 10वें सिविल सर्विसेज डे पर सम्मानित किया गया तो उन कार्यक्रमों ख़ास तौर पर जिनकी बात हो रही है वो हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण, स्वच्छ विद्यालय, प्रधानमंत्री जनधन योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड। इन सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए और वो श्रेणियाँ इस प्रकार बांटी गई थी, हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके साथ जो यूनियन टेरिटरी के इलाके हैं वो, और उसके अलावा शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया। 2 कार्यक्रमों की चर्चा हमने पहली कड़ी में की और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। जो मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर आदिल जैनुल भाई, आप चेयरमैन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से। हमारे दूसरे मेहमान श्री मदन चौहान, डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। हमारे अगले मेहमान श्री विनय कुमार सक्सेना, चेयरमैन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और हमारे साथ रहेंगे चर्चा में श्री अजीत बालाजी जोशी, आप डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़। आप सभी का बहुत स्वागत। और इससे पहले कि हम चर्चा को शुरुआत करें, हम आपको वो फिल्म दिखाते हैं उस जगह की जिसे उत्कृष्टता के लिए, कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए। भारत का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, प्रधानमंत्री जनधन योजना की अद्भुत सफलता की कहानी कहता है। जनता को जागरूक करने के लिए शिविर लगाए गए, सार्वजनिक बैठकें हुई, मोबाइल वैन से प्रचार हुआ। लक्ष्य था 1,96,000 नए बैंक खाते खोलना। चंडीगढ़ में इस योजना के लिए जागरूकता की ऐसी लहर उठी कि समय से पहले लक्ष्य से ज्यादा 2,20,000 खाते बैंकों में खुले। प्रधानमंत्री जनधन योजना की इस सफलता के लिए देश को गर्व है अपने चंडीगढ़ पे। एक बहुत बड़ा कार्य हुआ इस योजना के तहत और इसमें आगे क्या क्या किया गया और किस तरह से आगे बढ़े हैं, जरा चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले सक्सेना जी, आप इसे ये समझने की कोशिश करें, प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर सबसे पहले तो लोगों के मन में यही था कि बैंकों में अकाउंट खुलवाना जो इतने मुश्किल काम हुआ करता था, ये सब अगर मेथोडोलॉजी के लेवल पर अगर हम समझना चाहें तो आपने किस तरह से चयन किया? मैं पहले तो बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 अगस्त 2014 को की और 28 अगस्त को इस योजना को डिक्लेयर किया गया। उसी दिन, एक ही दिन के अंदर 1,50,00,000 खाते खोले गए, जो विश्व रिकॉर्ड बना। हम लोगों ने जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था जो देखा, वो ये देखा कि किस डिस्ट्रिक्ट ने किस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके जो है इस योजना को जन जन तक पहुंचाया। ये योजना एक ऐसी योजना है जो भारत में एक कहें तो एक वित्तीय क्रांति लाने की संभावना पैदा कर सकती है। लोग, वो लोग जिनको आज तक बैंक की सुविधा मौजूद नहीं थी, वो लोग जिन्हें सरकार की अनेकों योजनाएं जिनकी सुविधा मौजूद नहीं थी, जिनके बीच में बिचौलिए हुआ करते थे, आज वो सारे के सारे लोग जो हैं इस योजना के माध्यम से सीधे जुड़ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है देश के अंदर। जी अजीत बालाजी जोशी, अगर हम आपके इलाके की बात करें तो क्या ये हुआ कि जब लोगों को आपने इस योजना से जोड़ा और उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम था गवर्नमेंट का कि जिन लोगों ने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था उनको हम बैंक के द्वार तक लेकर जा रहे थे और उनको एक फैसिलिटी दे रहे थे, नॉट ओनली बैंकिंग फैसिलिटी, उसका एक इंश्योरेंस भी करा रहे थे। चंडीगढ़ का सक्सेस इसमें था कि हम लोगों ने लोगों को कन्विंस किया कि अकाउंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक ये योजना लाई है उसमें एक तो आपका ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, आपका इंश्योरेंस लिंकिंग भी होता है और आप लोगों को एक बैंकिंग में जिसमें जिन बैंक्स में जाने में हम लोग कतराते थे वो बैंक आपके द्वार आ रहा है, बैंक मित्र भी है,
बैंक मैनेजर्स भी आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है इससे बहुत मेजर तरीके से लोग सामने आए। हमने सोशल मीडिया का यूज़ किया, हमने मोबाइल वैन्स का यूज़ किया, हमने एफएम चैनल्स का यूज़ किया और कुल मिलाकर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर, इनका एक काफ़ी अच्छा ग्रुप हम लोगों का था जिन्होंने इसमें बहुत अच्छी तरह से काम किया। आदिल साहब, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि बैंक अब आपका मित्र है, आप आइए। आप बैंक जाते थे लेकिन लोगों का अनुभव ये रहता था कि जैसा कई बार ये देखा गया है कि बैंक से जिसे कहते हैं टरका देना, आप ये कागज़ लाइए, वो कागज़ लाइए, तो लोगों को मेथोडोलॉजी के लेवल पर अगर हम समझना चाहें तो इन सब ज़िलों में जहां हम अगर हम उत्कृष्ट क्रियान्वयन की जब हम बात करते हैं तो क्या आपने पाया और किस तरह से वो पैरामीटर्स आपने सेट किए कि क्या वो पार्टिसिपेशन रहा होगा कम्युनिटी का भी और काम के लेवल पर अधिकारियों का? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि आउटकम्स क्या है। सब लोग बहुत काम कर रहे थे, सब लोग दूसरी दूसरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कितने अकाउंट्स खोले और कैसे किया, तो पहले हम लोगों ने वो देखा कि आउटकम्स क्या है, कितना काम किया नहीं लेकिन आउटकम्स क्या है, और फिर देखा कि जिस डिस्ट्रिक्ट का आउटकम्स आर वेरी हाई, व्हाट डिड दे डू, एंड मोस्टली वो लोग ने क्या किया, नंबर वन वो लोग दे वेंट टू द पीपल। बैंक में पहले क्या होता था, यू गो टू द बैंक, हियर दे वेंट टू द पीपल बाई वॉट एवर मीन्स, आशा वर्कर्स, मोबाइल वैन्स से किए, देर आर सम ATMs इन सम एरियाज विद ATMs, सो पीपल हु कैनॉट रीड और राइट कैन लिसन टू द वॉइस एंड फॉलो एंड फिल आउट द फॉर्म्स, एंड सो दे वेंट टू द पीपल इंस्टेड ऑफ द पीपल कमिंग टू देम। दिस इज अ बिग टर्न अराउंड इन आवर थिंकिंग, यू नो, पीपल शुड नॉट कम टू द गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट शुड गो टू देम। सो दिस इज वॉट वी सॉ इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, दे हैड पहले आउटकम वॉज वेरी हाई, टू वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव मेथड्स टू टेक द गवर्नमेंट टू द पीपल। ये एक क्रांति से कम नहीं, जब किसी परिवार में पहली बार बैंक अकाउंट खुला जिन्होंने अब तक शायद सोचा था लेकिन बैंक अकाउंट खोल नहीं पाए थे। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और प्राथमिकता कार्यक्रम की तो वो है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में जिस जिले को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया, आइए ये फिल्म देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 229 ग्राम पंचायतें और 1697 गांव हैं। यहां बढ़ते रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के कारण उपज घटती जा रही थी। इस बीच सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की घोषणा हुई और हमीरपुर के किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिए प्रशासन जोर शोर से जुट गया। जगह जगह पे जागरूकता शिविर लगाए गए और इसके लाभ के बारे में किसानों को बताया गया। फिर जिले के सभी 76,000 परिवारों के खेतों से मिट्टी के सैंपल इकट्ठे किए गए। इनमें से 50% किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल गया और उसमें दिए निर्देशों के हिसाब से खेती करके वे आज खुशहाल हैं। इस स्कीम की ऐसी अपार सफलता के लिए हमीरपुर को बधाइयां। हमीरपुर को बधाई। और हमीरपुर के अलावा जैसा कि हमने शुरू में कहा था, तीन श्रेणियां हैं, तीन श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। मदन चौहान जी, आपसे ही समझने की हम कोशिश करें कि क्या सचमुच जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी सेहत जानना वाकई बहुत ज़रूरी हो गया था? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार का कि जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव ये सॉइल हेल्थ कार्ड का लिया है। अब जैसे एक मनुष्य की सेहत के लिए उसका कार्ड होना बड़ा आवश्यक है ताकि वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके, उसी प्रकार से ज़िम्मेदार जो है, फार्मर जो है, उसको ज़मीन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अभी हमीरपुर में क्या हो रहा था कि देखा देखी एक दूसरे की नकल में लोग खाद डाले जा रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत एक्सेसिव यूज़ हो रहा था जिससे ना केवल उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी, कॉस्ट भी बढ़ रही थी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा था। जब से ये सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम आई और हमें हिमाचल सरकार से टारगेट मिला था लगभग 16,335 कार्ड इशू करने का एक वर्ष में, तो तब ये प्रोसेस हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले जाके लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करवाया। हमारी कुछ एक दिक्कतें थी इसको प्रोग्राम को चलाने की, स्टाफ की हमारे पास थोड़ी कमी थी। स्टाफ हमने दूसरे विभागों से इंटेग्रेट किया, सॉइल कंसोलिडेशन का हमने आत्मा का स्टाफ लिया। फिर हमारे पास इसमें इक्विपमेंट की कमी थी, स्टील ऑगर्स नहीं थे, GPS नहीं था, बिकॉज ये जो सैंपल लेने थे फार्मर के फील्ड से, रेन फेड एरिया से 10 हेक्टेयर से और इरीगेटेड एरिया से 2.5 हेक्टेयर से, तो ये GPS हमने फिर प्रोक्योर किए।
उसके बाद इशू ये आया है कि स्टाफ की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जाके ठीक ढंग से उसको मृदा को उठा सके। उनकी ट्रेनिंग हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करवाई है। साथ ही हमारे 6 ब्लॉक्स हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक के लिए हमने 2 व्यक्तियों की एक टीम तैयार की, लोगों के हर ब्लॉक में 3-3 कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इसकी ज़रूरत की आपने बात की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एक बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर है चौकी के, जो पहले केवल गेहूं की और मक्की की खेती किया करते थे और उनकी वार्षिक आय लगभग 8,000 रुपये पर ईयर थी। उनको जब ये सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में हमने जानकारी दी और हमारे वहाँ पे एग्रीकल्चर विभाग के व्यक्ति वहाँ पे गए, साइंटिस्ट वहाँ पे गए, तो हमने उनको कन्विंस किया कि आप कन्वेंशनल खेती से जो है वेजिटेबल ग्रोथ की तरफ आइए। उन्होंने वेजिटेबल ग्रोइंग स्टार्ट की और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो 8,000 की जो उनकी एनुअल इनकम थी वो बढ़ के 50,000 की हो गई है एक ही फसल में। अभी दूसरी फसल वो फिर उन्होंने खेती इसमें एग्रीकल्चर में जो है वो वेजिटेबल की लगा रखी है और मैं समझता हूँ कि कम से कम 1,00,000 रुपए की उनकी और इनकम होगी, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है लोगों को हुआ है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ आप उन्हें सलाह भी दे रहे हैं कि उन्हें क्या उगाना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली ये भी दे रहे हैं जी। आपसे चर्चा अभी जारी रखेंगे, उससे पहले आदिल साहब एक बात जो हम समझना चाहते हैं वो ये जो 4 प्राथमिकता कार्यक्रम हैं सरकार के, क्या सभी के लिए एक ही तरह की मेथोडोलॉजी थी जैसे आपने कॉल सेंटर्स और चीज़ों का जिक्र किया था, या कुछ फ़र्क रहा सभी में कुछ न कुछ? ब्रॉडली स्पीकिंग मेथोडोलॉजी सेम थी। अच्छा। पहले डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रीज ने 40 डिस्ट्रिक्ट्स को नॉमिनेट किया कि दीज आर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स ने प्रेजेंटेशन किया, फिर हमने एक टीम भेजी 40-50 डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंटेशन किस तरह का होता था, क्या हुआ वो? अच्छा। उन लोगों ने क्या टेक्निक्स यूज किए, उनका रिजल्ट्स क्या है, ठीक है, वो लोगों ने क्या किया, तो वो प्रेजेंटेशन किया जी। फिर मिनिस्ट्री से DARPG से टीम गई वो डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने कि ये तो प्रेजेंटेशन ही देखा है ना, जाकर जरा देखो कि क्या है। तो टीम जाके 1-2 दिन एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक ज़िला में टाइम स्पेंड किया और मोस्ट इंटरेस्टिंग फिर वो आके वापस उससे 10-20 डिस्ट्रिक्ट्स रेकमेंड की। इन एडिशन वी डिड एक कॉल सेंटर सेटअप किया था BSNL के BSNL में 8,00,000 फ़ोन कॉल्स उन लोगों ने किया सब डिस्ट्रिक्ट्स में। 8,00,000 तो सिटीजन्स को पूछने से द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कैन से कि हम लोगों ने ये सब किया है, लेकिन उसका आउटकम ओनली सिटीजन नोज ना। तो सिटीजन को हमने पूछा कि आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, इज़ इट यूजफुल, आप उसका फ़र्क पड़ता है कि नहीं, एंड वी कम्बाइंड ऑल ऑफ दीज टू कम अप विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। विनय कुमार सक्सेना जी, अगर हम समय की बात करें तो कितना समय लगा इस नतीजे पर पहुंचने में आपको? देखिए, ये जो प्रक्रिया थी मेरे ख्याल से ये भी इतिहास रचने वाली बात है कि शायद 45 डेज के अंदर जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है की गई। सिर्फ 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया की गई। 7 स्टेजेस के ऊपर जो है एग्जामिनेशन हुआ है एक एक डिस्ट्रिक्ट का, 7 स्टेज के ऊपर, और उसके बाद फाइनली जो है वो एक एम्पावर्ड कमेटी ने उसको फाइनलाइज किया और बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे फाइनलाइज किया। ये मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा पहले कभी हुआ होगा। और जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया था, ये 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार जी दिए गए जी 3 श्रेणियों में दिए गए हैं और कुछ जिलों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमीरपुर का सवाल उठता है, हमीरपुर में लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, किसानों के पास 1 एकड़ ज़मीन तो है ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से टेराइन बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पर। वहाँ पर पहुँचना, सॉयल सैंपल लेना, ये अपने में एक टास्क है, और ऐसे ज़िले में इतना अच्छा काम करना अपने में सराहना का हकदार बनता ही है, और इसी वजह से उनको सेलेक्ट किया गया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये स्कीम 2015 में लागू हुई, फरवरी 2015 में, और आज तक 5 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जो हैं इशू किए जा चुके हैं। 5 करोड़ और इसका बेनिफिट जो है देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, 10-15% जो है ईल्ड फार्मर्स की बढ़ी है और 15-20% फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हुआ है, जो एक अपने में अद्भुत बात है। तो खाद कम हो रही है, उपज बढ़ रही है। जी हाँ। तो ये 2 फायदे। लेकिन अब प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर बात करें जोशी जी, तो ये बताइए, जो अकाउंट खोलना तो एक चीज़ होती है, बहुत सी योजनाओं में ये होता है, ठीक है साहब अकाउंट खुलना था, खुल गया, लेकिन क्या उसके बाद बैंक से जुड़ा हुआ लोगों का? बिल्कुल हुआ, और मुझे लगता है कि ये हमारे चंडीगढ़ की खासियत थी कि
इस स्कीम के बारे में नॉर्मली ये कहा जाता था बाहर कि लोगों ने अकाउंट इसीलिए ओपन किए ताकि उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिले या बाकी कोई फैसिलिटी मिले, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि और ये बताया गया कि इन जीरो बैलेंस अकाउंट थे उसमें कोई लोगों ने अपना बैलेंस नहीं ऐड किया, अपनी तरफ से सेविंग नहीं किया, बट चंडीगढ़ ने एक नया इतिहास रचा। हमारे पास करीबन 2,20,000 कार्ड थे, उसमें से हमने 1,80,000 कार्ड का आधार सीडिंग भी किया था हमने, और सभी आधार सीडिंग का मतलब एक्टिवेट हो चुके थे, डी डुप्लीकेशन भी हमने रन किया था, तो ऑलमोस्ट सभी के पास ये कार्ड मिल चुके थे, और उसमें करीबन 60 करोड़ रुपीज़ इन सभी अकाउंट्स में डिपॉजिट किया। एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 4,000 से 5,000 रुपए लोगों ने अपनी तरफ से सेविंग किया। अच्छा ये बताइए, ज़्यादातर अकाउंट खुलवाने वालों में कौन सी श्रेणी के, किस बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा? लो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा थे इसमें। अच्छा, गरीब, स्लम, महिलाएँ, देन आपके जो हमारे यहाँ माइग्रेंट लेबरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं चंडीगढ़ में, वो लोग थे, और बहुत सारा उसमें एडवांटेज हम लोग हुआ कि हम लोगों ने एक और नई चीज़ की कि जो सभी हमारे, क्योंकि वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री टू स्टार्ट PDS DBT ऑल्सो, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग DBT के माध्यम से चंडीगढ़ में रन करते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर वो लोग थे जिनका पहली बार अकाउंट खुल रहा बिल्कुल, था बिल्कुल, या पहले भी कहीं अकाउंट नहीं, था? नहीं, ये था ही ये उनका पहली बार। जिनका पहले, जिन्हें पहले कभी बैंक में नहीं आए, बैंक जो को, बैंक ही नहीं गए कभी, बैंक के पास उनको लेकर आना है, तो अभी हमने बाकी सब सोशल सेक्टर की फैसिलिटीज जो थी, DBTs थी, बाकी चीज़ें थी, इससे लिंक कर दी। सो उसकी जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अकाउंट ओपन करना एक बात थी और ट्रांजैक्शन में उसको लाना उस अकाउंट को। एक छोटी सी बात और आपसे पूछ लूँ, ये बैंक में अकाउंट खुल जाना वो तो सब ठीक है, लेकिन बैंकों को समझाना भी, बैंकों को इस बात के लिए राजी कर लेना, और क्या बाद में ऐसा तो नहीं कि उसमें फिर जिन्होंने अकाउंट खोल लिया कि अब ठीक है, तब तो खोल लिया था लेकिन अब ये कागज़ लाओ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो हमारे पास एक एडवांटेज था कि हमारा एक छोटा, मतलब क्षेत्र बड़ा छोटा है उस हिसाब से, उसमें कई ब्रांचेस है हमारे पास, ब्रिक एंड मोटर्स की काफ़ी ब्रांचेस थी हमारी, कुछ बैंक मित्र भी थे, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। कई जगह हम लोगों ने अपने कैंप्स भी लगाए, वो भी एक इशू था। आपने कोई फीडबैक का सिस्टम भी रखा? बिल्कुल रखा था। मदन चौहान जी, अब आपकी बात पर लौटें, आपने कहा कि दो लाभ जो दिखे वो ये कि एक तो जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल कम हुआ, जी जी, और उपज बढ़ी है वहाँ पर। आने वाले वक्त में, क्योंकि किसान, क्या बहुत से किसान या सभी किसान आराम से बिल्कुल राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है सॉइल टेस्टिंग हम करा लें? क्योंकि बहुत किसानों के मन में आशंकाएं भी बहुत रहती होंगी कि हम क्यों टेस्ट कराएं, इससे क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल टोटली फ्री सर्विस है सरकार की तरफ से, तो और जाके सरकार टेस्टिंग फ्री है, सरकार जाके स्वयं उनके खेत से उठा के सैंपल ला रही है, तो जहाँ तक कोई शंका का सवाल है वो तो इसमें उठता नहीं है। उल्टा लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं इससे कि उनके खेत में से जाके हम सैंपल ले रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपके खेत में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ आपको डालनी चाहिए, क्या चीज़ आप, कौन सी खाद आप एक्सेस डाल रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एट एन एवरेज जो है हमारे यहाँ पे यूरिया का 150 किलो का पर हेक्टेयर लगता है, और जो दूसरी खाद है 18-32-12 उसका जो है वो लगभग 90 kg का हमने उनको असेसमेंट करके दिया है, जबकि एक्चुअली प्रैक्टिकली लोग उसको 150 किलो यूरिया पर हेक्टेयर और 200 किलो जो है 12-18 का खाद उसमें इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब हमने उसमें 110 किलो का सेविंग लोगों को बताया है, जबकि उल्टी उपज में जो है उसमें पैदावार में इंक्रीज हुआ है, तो जैसे बचत ही बचत, हाँ बचत ही बचत है, और अच्छी उसमें खाद की जो फसल की जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, यील्ड में ज़्यादा आ रहा है। जी आदिल साहब, जहाँ तक प्रधानमंत्री जनधन योजना का सवाल है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत इस्तेमाल है, और देश में ऐसी बहुत सी जनता है जो टेक्नोलॉजी से अभी उतनी वाकिफ नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है। जो कॉल सेंटर्स की आपने बात कही और जो फीडबैक की बात कही और जो मेथडोलॉजी की बात करें, तो जो ऑफिसर्स जो ज़िलों में काम कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी से अवेयर कराने की जहाँ तक बात है, क्या उस दिशा में भी कुछ काम हुआ? देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज इन यूज़। तो टू मेक 800,000 फोन कॉल्स यू यूज़ द टेक्नोलॉजी कॉल IVR, मतलब ऑटोमेटिक डायल करते हैं एंड देन यू पिक अप द फोन एंड दे आस्क यू 5 क्वेश्चंस एंड सो द जिला डजंट हैव टू डू एनीथिंग। जिला में कुछ करना नहीं है, ये सेंट्रल टेक्नोलॉजी है, बट ये टेक्नोलॉजी के बिना यू कुड नॉट कॉल सो मैनी पीपल। टेक्नोलॉजी है इसलिए कर सकते हैं, लेकिन जनधन योजना में मेनी टेक्नोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैंक मित्र है, वो लोग एक ऐसा छोटा स्कैनर लेके जाते हैं और POS, वो लोग इट इज़ लाइक एन ATM
और लाइक गोइंग टू अ बैंक और वो कंप्यूटर टर्मिनल जो ऑफिसर के पास है ऐसा है, वो इतना छोटा पॉस के साथ आपके घर आ सकता है और सब फॉर्म्स और सब कुछ ले सकता है उसके अंदर स्कैन करके। तो वो टेक्नोलॉजी 5-6 साल पहले इतनी सस्ती नहीं थी, अब इतनी सस्ती हो गई है कि यू कैन गिव इट टू द बैंक मित्रस, बैंक मित्र तक घर पे जाएगा लोग के। तो ऐसी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इसके साथ बेनिफिट्स बहुत है। नाउ यू नो फॉर एग्जांपल आईडी, फिंगरप्रिंट आईडी करते हैं आधार कार्ड के लिए और ये बैंक अकाउंट के लिए भी, इन केस यू कैन नॉट साइन यू कैन जस्ट यूज़ योर फिंगरप्रिंट। अच्छा, बट मेनी फार्मर्स यू नो उनकी फिंगरप्रिंट्स घस गई होती है क्योंकि वो लोग खेत में बहुत काम करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू अ रेटिना स्कैन, आई को स्कैन करते हैं। ये दोनों चीज़ अभी बहुत सस्ती हो गई इसलिए कर सकते हैं। ठीक, 5-10 years ago वी कुड नॉट हैव डन इट। सो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वी विल यूज़ टेक्नोलॉजी टू लीप फ्रॉग। जो हम लोग कर रहे हैं ये बैंक अकाउंट में, मोस्ट एडवांस कंट्रीज में नहीं करते। सक्सेना जी, अब एक बात जो जहन में आती हुई, इन चारों प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों से जुड़े जब कार्यान्वयन की बात आती है और उनको पुरस्कृत करने की जो पूरी प्रक्रिया है और जो नतीजे सामने आए हैं, क्या लगता है इन योजनाओं से और इन कार्यक्रमों से अब आने वाले दिनों में कितनी बदल जाएगी हमारे देश की तस्वीर? मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि चार स्कीम्स भारत सरकार ने चलाई हैं, जनधन योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, इससे देश में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ और स्वच्छ ग्रामीण, इसके माध्यम से आपने पहले भी देखा होगा कि इतना चेंज आया है। स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी है, स्कूल में गर्ल चाइल्ड जो है उसके एडमिशन्स बढ़े हैं, ये सब हम लोगों ने जिस वक्त एग्जामिनेशन चल रहा था उस वक्त देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जनधन योजना का सवाल है, मैंने पहले भी कहा था कि इस योजना के माध्यम से आप समाज के उस लास्ट व्यक्ति को जो है ताकत दे रहे हैं जो अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो गया, जो आज तक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, हर व्यक्ति उसको आकर बेवकूफ बना के चला जाता था, वो आज जो है अपने पैरों पे खड़ा हो गया जी। आप ये देखिए, नौगांव में 32 करोड़ रुपया जो है वो ओवरड्राफ्ट दिया गया है। अच्छा, इसी योजना के तहत। बिल्कुल, तो ये कितनी बड़ी बात, तो ये तस्वीर बिल्कुल बदल रही है, तस्वीर बदल रही है। आपसे जोशी जी यही चलते चलते यही समझना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो कतार में जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, आप उसकी ज़िंदगी बदलते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। इनफैक्ट जो सर्वे हुआ उस दौरान, जब पता सर्वेस की स्टोरीज आ रही थी, सब चीज़ें पता चल रही थी, कई केसेस सामने आए। बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस, एक इंसिडेंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जरूर। एक परिवार था जिसमें उसके पिताजी का बहुत पहले देहांत हुआ था और माँ का देहांत कुछ दिन पहले हुआ। उसने जनधन में अपना अकाउंट ओपन किया था, तो इट इज़ लिंक्ड विद इंश्योरेंस। तो जब वो, उसके तो दो ही बच्चे बचे उसमें, एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। छोटा भाई मेंटली चैलेंज था और बड़े भाई के ऊपर जिम्मेवारी थी, और वो भी बहुत बड़ा नहीं था, 18-20 years old। तो वो उसको क्या करेंगे आज की तारीख में, अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं होती तो बिल्कुल वो सड़क पे आ जाता। इस योजना के तहत जब वो इंश्योर्ड था, उसको 2 लाख रुपए बैंक की तरफ से 21 दिन में इमीडिएटली सेटलमेंट के तहत। तो ये बिग अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी बात। और उसने 1 लाख रुपए का अपना फिक्स डिपॉजिट किया और 1 लाख रुपए में अपनी एक शॉप खोल दी, जो अपने छोटे भाई को भी देखभाल कर रहा और शॉप भी चला रहा है। आई थिंक ऐसे हजारों जिंदगियां इस स्कीम के माध्यम से बदली गई। बहुत कमाल चीज़ है चौहान जी। अब आपसे चलते चलते दो वाक्यों में हम ये समझें कि इस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए कितना बड़ा एक गेम चेंजर अगर कहें तो वो होगा। मैं ये समझता हूँ कि इससे किसानों की ज़िंदगी बदल जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम आ जाएगी और यील्ड बढ़ जाएगा। ना केवल किसानों को फ़ायदा होगा बट टू द सोसाइटी एट लार्ज फ़ायदा होने वाला है। चीज़ें बाज़ार में सस्ती हो जाएंगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो जब नेचुरली केमिकल्स ज़मीन में कम जाएगी तो इट विल बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो जी। चलते चलते आदिल साहब आपसे हम चाहेंगे फाइनल कमेंट्स, और वो इस बारे में कि जो ये चारों कार्यक्रम हैं और आपने पूरा प्रोसेस को इसको देखा है सिलेक्शन में, इसका इम्पैक्ट, आपने पहले कार्यक्रम में भी कहा था कि बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा वक्त के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना है, क्या कहेंगे? मेन लर्निंग इज़ के जब
all the resources of the government are put together and the commission, the district is behind it, you can do many of these things in 3 months, 6 months. So abhi government can also get confidence ke nayi scheme laake, we can get it done in 3 to 6 months. You don't have to wait for years. So abhi that's the lesson of these four. Ye char scheme to bahut achhi hai, lekin uska lesson ye hai ki abhi बरोबर ऑर्गेनाइज करेंगे तो सारे देश में कर सकते हैं वेरी फास्ट इन 6 months to 1 year. जी विनय कुमार सक्सेना जी, आदिल साहब, जोशी जी, मदन चौहान जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद. आप लोग यहाँ आए और आपने चर्चा की हमारे साथ. और बस अब एक ही बात जो घूम फिर कर जो निकल कर सामने आती है वो ये कि वक्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है और हमारे आसपास जो बदलाव हो रहा है उससे हमारी ज़िंदगी बदल रही है. और इस बदलते वक्त में हमें यही करना है कि बदलते वक्त के साथ स्वयं को बदलने की जो प्रक्रिया है उसे जारी रखें. जानिसार अख्तर ने कहा था, अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, जिंदगी शमा लिए दर पे खड़ी है यारो. बहुत धन्यवाद. नमस्कार.